तमाम मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कुछ दयानंद साहब के फॉलोवर्स अपने गुरु दयानंद साहब की तरह बेगैरती का मुजाहरा करते हुए दूसरों पे मन घड़त बेबुनियाद जबरदस्ती के सवालात उठा रहे हैं, जिनका ना कोई सर है ना पैर है। लेकिन उन बेचारों को शायद ये नहीं पता कि उनकी अपनी ही बुक्स में बेशुमार ऐसी बातें हैं जो काबिले गिरफ्त हैं, जिसे इनके स्वामी जी भी छुपा ना सके और इस्लाम से टक्कर लेने की नाकाम कोशिश कर गए। उनको शायद ये नहीं पता था कि आगे चल के उनकी ये गलती सनातन धर्म को पूरी तरह नंगा करवा देगी पूरी दुनिया के सामने। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको वेद के तजादात यानी कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बताएंगे। तो ये देखें दोस्तों, यजुर्वेदा 14:28। अब इसमें लिखा है कि प्रजापति ने कोई प्रार्थना की तो उससे ये सारे जानदार यानी जो मखलूकात हैं तमाम वो बन गई। अब ये देखिए ऋग्वेदा 7:8-5। अब इसमें लिखा है कि इंद्रा और वरुणा ने बनाया है तमाम जानदारों को। अब ये देखें अथर्वा वेद में एक और अलग ही कोई नई कहानी है, अथर्वा वेदा 1:3-1:5-2। रोहिता ने जमीन को बनाया और तमाम जानदारों को बनाया। तो ये देख लें दोस्तों आप लोग कितना यानी तजाद है वेद की बातों में, मुख्तलिफ किस्म का यानी तजाद पाया जाता है। तो ये देख लें आप लोग, आपके सामने है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी और इन धोखेबाजों का मकर और फरेब आपको समझ आ गया होगा कि ये लोग किस तरह झूठ से अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये झूठ बोलना बहुत ही अच्छा काम है इनके सनातन धर्म में, क्योंकि खुद इनके ईश्वर ने झूठ बोलने का कहा है, महाभारत 8:6-9 इसमें आप देख सकते हैं। इसीलिए ये लोग अपने झूठे रिलीजन यानी सनातन धर्म को बचाने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की नाकाम कोशिशों में लगे हैं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत।